बैक टू माई चैनल अगैन। सो टुडे आई एम गोइंग टू शो यू फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया हुआ फ़िलिप्स का हेयर स्ट्रेटनर। एक स्ट्रेटनर का रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड वीडियो के एंड में भी आपको देखने को मिल जाएगा। वो है नोवा का हेयर स्ट्रेटनर, 2-in-1 है वो, बट ये सिंगल है। ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आया है एंड देन ये मुझे 1000 rupees के समथिंग परचेज़ किया है मैंने। इसे मैंने रिसीव किया है। और इसकी ख़ास बात ये है कि ये फ़िलिप्स का है और फ़िलिप्स के सारे हेयर स्ट्रेटनर जो भी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। सो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम इसे ओपन करके देखते हैं। ये मैंने कुछ इस तरह से इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन हो चुका है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। इसी से रिलेटेड मेरी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, आप उसको वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या फिर वीडियो के एंड में देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ है, आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह की इन्होंने डबल पैकेजिंग की है ताकि ये टूट वगैरह ना जाए एंड ये कुछ ये कुछ इस तरह का है। एंड इसका जो मॉडल नंबर है वो मैं आपको बता देती हूँ, ये है HP का 8303 इसका मॉडल नंबर है, अपोजिट 06। ये कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है। एंड मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। यहाँ पर इन्होंने एक और तरीके से पैकेजिंग दी हुई है, बट ये कुछ ये है ब्लैक कलर का। और इसकी बात करते हैं, इसमें कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं इन्होंने इसके अंदर डायरी सी के अंदर लिखे हुए हैं इंस्ट्रक्शन। और इसकी वायर चेक कर लेते हैं। इसका प्राइस समथिंग 1000 rupees है, समथिंग है। ये कुछ इस तरह की वायर है, ये कुछ इस तरह की वायर है। और ये वायर काफ़ी ज़्यादा लंबी है, लंबी मतलब मैं आपको कितना बताऊँगी, कितने मीटर है ये, 1.5 meter समथिंग इसकी वायर है, बल्कि 2 meter समथिंग इसकी वायर है। आप देख सकते हैं इसकी वायर काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और काफ़ी ज़्यादा मोटी वायर दी गई है ताकि ये स्पार्क ना हो, इसमें स्पार्क हो जाते हैं, तार जल जाती है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा वायर की जो क्वालिटी है इस तरह से दी हुई है। और ये 2-pin plug है, इस पर वार्निंग दी हुई है कि आपको इसे पानी से दूर रखना है। और इसके जो रिव्यू है मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखे थे इसकी। फर्स्ट ये मेन चीज़ हमारे हेयर स्ट्रेटनर में यही होती है कि लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। लॉन्ग लास्टिंग के रिव्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, प्लस ये कि हमारा लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, सेकंड ये कि ये हमारे हेयर को नुकसान ना पहुँचाए, उसकी भी रेटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। ये कर्लिंग भी कर सकता है, स्ट्रेट भी कर सकता है। टू टाइप्स इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको ये यूज़ करना आता है। ये कुछ इस तरह का है, ये ब्लैक कलर का फ़िलिप्स का है। मॉडल नंबर आपको मैंने बता दिया है, सेल्फी स्ट्रेटनर लिखा हुआ है इसके ऊपर कुछ इस तरह से। इसका जो ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से फ्लैट है ये, एंड यहाँ पर इसके मोड दिए गए हैं अंदर की साइड। अगर आपको ये दिख रहा होगा तो ये बटन की साइड, ये इधर मोड ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है। एंड जब आप इसे ऑन करेंगे तो यहाँ पर इस एरिए में लाइट ऑन हो जाती है। और इसके अंदर काफ़ी कुछ लिखा हुआ है बट मुझे वो दिख नहीं रहा है, वो मॉडल नंबर ही लिखा हुआ है। मैं आपको एक बार इसे ऑन करके दिखा देती हूँ कि हीटिंग कितनी देर में करता है। गाइस, मैंने इसकी वायर अप्लाई कर दी है एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका जो ऑन ऑफ का बटन है, इसको मैं इस तरह से ऑन करूँगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट जल गई है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर लाइट जलेगी। आपको ध्यान रहे, जब भी आप हेयर स्ट्रेट करते हैं तो ये वाला जो हिस्सा होता है आपका, यहाँ पर आपको टच नहीं करना होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट करता है। इस तरह से ये यहाँ पर प्लास्टिक का कवर दिया हुआ है फुल, ताकि जब भी आप हेयर कर्लिंग करें या स्ट्रेट करें तो आपको इस तरह से पकड़ के यहाँ पर इस तरह से प्रेसिंग कर सकें, स्ट्रेट कर सकें अपने हेयर को। ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। फिलहाल तो मेरे को इस वीडियो के अंदर अनबॉक्सिंग करनी थी, मैंने आपको बता दिया है काफ़ी अच्छी कंडीशन में मिला है। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं और ये वाकई में लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या हेयर स्ट्रेटनर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।